औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम इस वक्त पढ़ रहे हैं माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। माइक्रोवेव इंजीनियरिंग अगर हमने उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो ज़रूरी है कि हम माइक्रोवेव को अंडरस्टैंड करें। माइक्रोवेव ही का इस्तेमाल कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल हो रहा है, किस किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कि यानी बाकायदा उसकी कौन कौन सी फील्ड है, इसके अलावा माइक्रोवेव होती क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और जैसे मैंने अभी बताया कि उसका इस्तेमाल क्या है, यानी इंग्लिश में उसे कहते हैं व्हाट एप्लीकेशन, तो उसकी एप्लीकेशन के बारे में भी आपको इंट्रो मिलेगा, ताकि आप जब माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने लगे समझ सकें माइक्रोवेव को समझकर। माइक्रोवेव दरअसल दो चीज का मुखफ्फफ है, दो चीज से मिलकर बना, एक है माइक्रो और दूसरा है वेव। माइक्रो से मुराद है छोटा, आपने पढ़ा होगा माइक्रो, नैनो, पीको, ये सब चीजें आप उससे वाकिफ हैं, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल से। तो इसका मतलब है मैं वेव जो है वो माइक्रोन में हो। अब माइक्रोन में होगी अगर वेव, तो वो किस तरीके से वेव कितनी होगी, अप टू 1 मिलीमीटर होगी, अप टू 1 मिलीमीटर, यानी इतनी छोटी हो जाएगी कि उसकी वेव जो है वो 1 मिलीमीटर तक होती है। माइक्रोवेव सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस की करवाई है नेलो करारे ने, जो कि इटालियन फिजिस्ट था और वो फाउंडर भी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसर्च इंस्टीट्यूट का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसर्च इंस्टीट्यूट से पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर जब रिसर्च हुई तो तब जाकर ये माइक्रोवेव बना, और फिर इसके बाद हमने माइक्रोवेव ओवन का भी इस्तेमाल किया। फिर इसके इसको आप देखेंगे आगे चलकर कि कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। फिर नेलो करारे जो था, इसकी थ्योरी किस पर डिपेंड करती थी, ये दरअसल डिपेंड करती थी इससे पहले वाले जो भी साइंसदान है, जैसे कि मार्कोनी है, फिर हर्ट्ज है। मार्कोनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेतार पैगाम रसानी का मौजद मार्कोनी, और फिर हर्ट्ज जो है वो फ्रिक्वेंसी जब आती है तो उसका तो आप नाम पढ़ते रहते हैं हर्ट्ज का, और मैक्सवेल, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, मैक्सवेल का भी नाम आपने सुना होगा। तो इसकी इन लोगों की जो थ्योरीज थी, इसी थ्योरीज के ऊपर डिपेंड करते हुए उसने ये माइक्रोवेव्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। माइक्रोवेव जो है वो आयनोस्फेयर में रिफ्लेक्ट नहीं होती, आयनोस्फेयर में रिफ्लेक्ट नहीं होती। अब स्फेयर्स, इससे पहले आप लोगों ने स्फेयर्स के बारे में पढ़ा होगा कि मीजो स्फेयर्स हैं। अगर हम जमीन पे शुरू करते हैं तो हम जमीन से लेकर आगे तक चले जाते हैं तो उसमें हमारे स्फेयर्स हैं। इन स्फेयर्स के जरिए हमारी मेटास्फेयर्स, आयनोस्फेयर्स, मीजोस्फेयर्स, ये सारी जो स्फेयर्स हैं, इन स्फेयर्स के पर का मुताला भी हमारे लिए जरूरी होता है। अब माइक्रोवेव जो है वो इस स्फेयर आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट नहीं होती। माइक्रोवेव एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं। माइक्रोवेव आसानी के साथ जो है वो इनकी अटेन्यूएशन आसानी के साथ पॉसिबल है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इनकी जो वेव लेंथ होती है वो तकरीबन 1 मिलीमीटर तक शॉर्ट होती है, और इनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। जिनकी वेव लेंथ कम होती है उनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। ये सारी बातें हम अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। माइक्रोवेव्स उसके नाम से जाहिर है, माइक्रो का मतलब है छोटा होना, और वेव जो है काफी हद तक वेव छोटी होती है, यहाँ तक कि वो 1 मिलीमीटर के बराबर हो जाती है उसकी वेव लेंथ। नेलो करारे ने ये थ्योरी हमें माइक्रोवेव जो है वो नेलो करारे ने इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसर्च इंस्टीट्यूट का फाउंडर भी था, और ये इटालियन साइंसदान था। इस माइक्रोवेव थ्योरी पर जो इसने काम किया ये नेलो करारे ने, ये मार्कोनी, हर्ट्ज और मैक्सवेल के काम को आगे लेकर चला। माइक्रोवेव जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होते,
आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय आयनोस्फेयर, यानी आयनोस्फेयर पे रिफ्लेक्ट नहीं होते। हम स्फेयर को जब देखते हैं तो स्फेयर कई हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। स्फेयर उनकी एक रेंज होती है जिसमें मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तो मुख्तलिफ स्फेयर होते हैं। माइक्रोवेव ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, वो सीधी लाइन, सीधी ही लाइन में हरकत करती है और फासला तय करती है। इसके अलावा वो रिफ्लेक्ट हो जाती है अगर हम कोई भी कंडक्टिंग सरफेस उसके आगे रख दें। माइक्रोवेव्स की अटेन्यूएशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आसान है। माइक्रोवेव्स जो है वो एक थिन लेयर्स ऑफ केबल से भी फ्लो कर सकती हैं। माइक्रोवेव के जो एडवांटेजेस हैं, हमें जो फायदा है वो क्या है, वो ये है कि ये सपोर्ट करती हैं लार्ज बैंडविड्थ, और इस तरीके से लार्ज बैंडविड्थ को सपोर्ट करने की वजह से इसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट की जा सकती है। माइक्रोवेव्स पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इसमें जो है एंटीना जो है उस पे का गेन जो है ज्यादा से ज्यादा गेन पॉसिबल है। हायर डाटा रेट जो है इसमें ट्रांसफर होता है क्योंकि इसका बैंडविड्थ जो है वो ज्यादा है। एंटीना साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हायर हैं। लो, इसमें पावर कंजप्शन भी लो हो जाती है क्योंकि सिग्नल्स जो हैं वो हायर फ्रिक्वेंसीज पे होते हैं। इसके अलावा इसका अफेक्ट्स ऑफ फेडिंग जो है, यानी कमजोर हो जाना, ये साइड पर लाइन साइड प्रोपेगेशन पर रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा ये रिफ्लेक्शन प्रोवाइड, ये अफेक्टिव रिफ्लेक्शन एरिया जो है वो रडार सिस्टम के लिए प्रोवाइड करती है। सेटेलाइट और इलाकाई कम्युनिकेशन के में इसको इस्तेमाल करने की काफी सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा माइक्रोवेव जो है ना वो बड़ी लो कॉस्ट पे बनाए जा सकते हैं, आराम से डेवलप किए जा सकते हैं। अफेक्टिव स्पेक्ट्रम यूसेज इसका है, अफेक्टिव स्पेक्ट्रम यूसेज इस का इस्तेमाल इसमें काफी इस एप्लीकेशंस में है। डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव्स पर हम बात कर लेते हैं। माइक्रोवेव्स के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है, जहां जहां किसी भी चीज का फायदा होता है तो जाहिर बात है उसके नुकसान भी होते हैं। अब नुकसान में क्या है, इसके नुकसान में है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज हाई, दे आर हेफ्टी एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस में ऑकर, इनहेरिट इन एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव्स की क्या क्या है, इसके एप्लीकेशन कई जगह पर हैं। मिसाल के तौर पर एक है वायरलेस कम्युनिकेशन में, अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल के लिए इस्तेमाल करना है तो ये इस्तेमाल होती है माइक्रोवेव। ब्लूटूथ में भी माइक्रोवेव इस्तेमाल होती है। ब्लूटूथ की कम्युनिकेशन तो आप लोग करते ही रहते हैं, उससे तो आप वैसे भी फेमिलियर हैं, टेलीफोन कॉल्स भी आप करते रहते हैं उससे भी आप फेमिलियर हैं। आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमिशन में भी इस्तेमाल होती है, ऑक्सिलरी सर्विस ब्रॉडकास्ट में भी इस्तेमाल होती है, रिमोट पिकअप यूनिट के लिए, स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक के लिए, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट में, और पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सेलुलर वीडियो सिस्टम्स में भी और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में भी। फिर कमर्शियल यूसेज में अगर कोई चोर आ जाता है तो उसको उसके जानने के लिए कि वो एकदम से अलार्म बज जाए, तो इसके लिए भी अलार्म इस टेक्नोलॉजी में भी वही इस्तेमाल होती है इस गैजेट में। इसके अलावा गैराज का डोर जो है अगर आपने खोलना है तो उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि जी कार आती है और इसके बाद जो है वो क्या नाम है वो दरवाजा रिमोट दबाते हैं, बटन दबाते हैं और वो खुल जाता है। तो गैराज डोर ओपनर्स में भी माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है। पुलिस आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो मोटर वे पर चेक करती है स्पीड, तो मोटर वे पर जो स्पीड डिटेक्टर है उसमें भी माइक्रोवेव ही इस्तेमाल होती है स्पीड डिटेक्शन के लिए। सेल फोन, पेजर, वायरलेस लैन में भी आपकी ये इसका इस्तेमाल है माइक्रोवेव का ही। सैटेलाइट टेलीविजन या रेडियो वगैरह, मोशन डिटेक्टर्स, रिमोट सेंसिंग के लिए में भी इसका माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नेविगेशन में भी इसका इस्तेमाल है। नेविगेशन में
आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें पूरी दुनिया को तीन जो है वो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कवर करते हैं, तीन स्टेशनरी सैटेलाइट कवर करते हैं। इसके अलावा कुछ ये तो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, और जो होवरिंग सैटेलाइट्स हैं उनकी नकलो हमल के लिए भी इस सिस्टम को, इन दोनों सिस्टम्स को, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को और नेविगेशन, होवरिंग सैटेलाइट्स की नेविगेशन को माइक्रोवेव ही के जरिए पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा मिलिट्री और रडार में भी इसका इस्तेमाल है। मैं रडार में, रडार जो है वो डिटेक्ट करता है टारगेट को कि एनिमी कितने दूर है, कितने फासले पर है और वो कितनी स्पीड से आ रहा है। इसके अलावा सोनार एप्लीकेशन में भी, ये हम पढ़ते हैं ना कि जहाज जो है वो ट्रेवल्स कर रहे होते हैं, तो वो अगर उनके नीचे हो सकता है पानी के अंदर, काफी हिस्सा उनका पानी के अंदर होता है, तभी तो वो डूबने से बचे होते हैं। तो इस तरीके से जो है क्या उनके अंदर ये नीचे अगर कोई चट्टान आ गई तो क्या होगा, वो टकरा जाएंगे और वो पूरा डैमेज हो सकता है, जैसे कि टाइटैनिक फिल्म में दिखाया गया है। तो ये एप्लीकेशन जो है वो इनको डिटेक्ट बताती है कि आगे कोई रुकावट आने वाली है या नहीं। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है उसमें भी माइक्रोवेव इस्तेमाल होती है। जितनी भी एयर ट्रैफिक्स हैं, मतलब फ्लाइटों ने आना है जाना है, ये सारी की सारी जो है वो एयर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ही होती है। आपने देखा होगा कि कोई भी जहाज आ रहा होता है तो वो सबसे पहले जो है वो पूछ रहा होता है कि जी मैं आ जाऊंगा, तो उसको एक बंदा जो है वो डील कर रहा होता है, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल असिस्टेंट होता है। ये सिविल एविएशन में इसकी पोस्टें आती भी हैं। एक दफा मेरा भी इत्तेफाक हुआ था कि इसका टेस्ट देने में गया था। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग जो है उसमें भी जो है उसके लिए भी इसका इसका इस्तेमाल होता है। नेविगेशन ऑफ शिप्स में भी माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल हो रहा है। माइंस वीपिंग के में की एप्लीकेशन में भी, स्पीड लिमिट इंफॉर्मेशन में भी, और मिलिट्री जो है वो माइक्रोवेव को इस्तेमाल करती है अपनी कम्युनिकेशन के लिए भी। रिसर्च में भी इसका इस्तेमाल होता है। रिसर्च में एटॉमिक रेजोनेंस और न्यूक्लियर न्यूक्लियर रेजोनेंसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और फूड इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में तो आप सब लोगों के घर में, खुद में, किसी कई लोगों के घर में माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है, और वो हीटिंग और कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हम अक्सर खाना गर्म करते हैं माइक्रोवेव ओवन में। फूड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में भी माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल है। प्री हीटिंग एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल है, प्री कुकिंग में भी है। इसके अलावा मॉइस्चर लेवलिंग देखनी है तो भी, कई कई ऐसे इदारे हैं कि जहां पर मॉइस्चर लेवल को जो है वो मेंटेन करना होता है, अब वहां मॉइस्चर लेवल जो है वो ज्यादा ना हो, इस चीज को डिटेक्ट किया जाता है। इसके कई इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, बल्कि मेरा एक दोस्त जो सप्लाई करता था ये इंस्ट्रूमेंट काफी महंगे आते हैं, जो कि मॉइस्चर लेवल्स के बारे में बताते हैं, और ये लैब्स के अंदर लगते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्बिंग वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना, उसके लिए भी इसमें भी यही इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल में भी अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि ये रबर रबर है, रबर बनाने वाली पॉलीमर्स के लिए भी, केमिकल वेपर प्रोसेसिंग के लिए भी, सेरामिक्स के भी, पाउडर प्रोसेसिंग के लिए भी, केमिकल सिंथेटिक्स जितने भी बनते हैं इनके लिए भी, और फार्मास्यूटिकल में स्टेरिलाइजिंग होती है उसके लिए भी। स्टेरिलाइजिंग जो है फार्मास्यूटिकल, अभी इस वक्त तो वैसे भी हम सबको सैनिटाइजर सैनिटाइजर के बारे में बताया जा रहा है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं, तो यहाँ पर जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स होती हैं इसमें जब हम एंटर होते ही हैं तो उसमें ना सिर्फ ये कि वो सारे के सारे औजार वो भी स्टेरिलाइज होते हैं। इसके अलावा टनल बोरिंग में भी, ब्रेकिंग रॉक कंक्रीट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल एप्लीकेशन में भी हार्ट बीट की मॉनिटरिंग, लंग्स लंग्स में वाटर डिटेक्शन के लिए और ट्यूमर डिटेक्शन के लिए। ट्यूमर उर्दू में कहलाता है बेसिकली फोड़ा। रीजनल हाइपरथर्मिया के लिए भी, और इसके अलावा लोकल हीटिंग और माइक्रोवेव एकॉस्टिक इमेजिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूमर सॉली को कहते हैं ना?